हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वीक की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्यूएस 5 के अंदर हम एक भोजपुरी सॉन्ग को किस तरीके से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं म्यूजिक तैयार किया था वो एक पहले म्यूजिक तैयार किया हुआ था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वही म्यूजिक है हमारा पुराना वाला जो मैंने पहले बनाया था। तो म्यूजिक अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है अभी तक तो वो म्यूजिक सुन सकते हो। ये हिप हॉप वाला जो है बीट और ये सारी चीजें मैं बताया हुआ हूँ कैसे बनाया जाता है। तो जिन जो लोग ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं इस तरीके का रिदम हम किस तरीके से बनाते हैं तो वीडियो जाके देख लो, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि हम इस सॉन्ग को हम किस तरीके से मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले सॉन्ग को मिक्स करने के लिए हमें वोकल को सुनना जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं वोकल को सुनना काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से सुनते हैं अपने वोकल को, ठीक है, और वोकल सुनने के बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा इफेक्ट लगाना है, कैसे क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा वोकल ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बन सके। चलिए वोकल सुनते हैं। ना चकोरो जोनी ना खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो इत सोहे नहीं के हुआ के बाद खोले खाड़ी कल हिल लायक हटे एक नंबर खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो नाच करो जोनी ना खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो। तो ये हमारा थोड़ा सा जो वोकल था आपने पूरा सुना और ये वोकल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अब शुरू करते हैं इसमें मिक्स करना इसको और इसको शुरू से हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं शुरू से ही सारा इफेक्ट हटा के मिक्स करता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम ई पैनल खोलेंगे, ऑडियो चैनल सेटिंग। ई पर दबाने के बाद बीएसटी ऑडियो चैनल सेटिंग ओपन होता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो पुराने वीडियोस देख लेना जाके। तो सबसे पहले हमें यहां पर लगाना पड़ेगा ऑटो ट्यून। तो हम यहां पे ऑटो ट्यून 8 लगाएंगे क्योंकि वोकल ज्यादा हिप हॉप है और वोकल ज्यादा जो है वो है क्या बोलते हो उसको ज्यादा चहक पहक वोकल है। तो ऑटो ट्यून 8 हम लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर थोड़ा नॉर्मल में सैड सॉन्ग इस टाइप की वोकल रहे तो आप ऑटो ट्यून ईवीयू बीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर जितनी ही ज्यादा डीजे वाला सॉन्ग हो तो उस टाइप के सॉन्ग में अगर ऑटो ट्यून 8 लगाते हो तो ज्यादा बेहतर लगता है सुनने में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका हम देखते हैं सी और सी के बाद हम माइनर करके और सुनते हैं सी माइनर हमारा वर्क करता है या नहीं। क्या खड़ा हो नाच करो जोनी ना खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो इत सोहे नहीं के हुआ के बाद खोले खाड़ी कल हिल लायक हटे एक नंबर खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो नाच करो जोनी ना खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो। तो आप देख सकते हो इसका स्केल बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। और यहाँ पर हम और लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑटो ट्यून लगा दिया है, ठीक है। अब ऑटो ट्यून के बाद हम यहाँ पर लगाने वाले हैं डिले। तो डिले आप यहाँ से लगा सकते हो। मैं यहाँ पर पिंग पोंग डिले लगा देता हूँ एक। और पिंग पोंग डिले के अंदर हम यहाँ पर जो लगाएंगे वो देखते रहिए आप। तो यहाँ पर हम बेलाइड वोकल सेलेक्ट करेंगे और इसको ऑन करेंगे यहाँ टैप करके और यहाँ पर 1/4 करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे देखो इसको ऑन करना है, यहाँ पर दबाओगे तो ऑफ होगा, ये देखो बंद हो जाता है। टेम्पो SYNC है, इसको इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डिले यहाँ लिखा हुआ है, डिले पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर 1/4 करना है। आप सब पे देख के ट्राई कर सकते हो इससे अगर आपका मन हो तो। फिलहाल हम यहाँ पर फाइनल कर रहे हैं तो हम 1/4 करेंगे, ठीक है। 1/4 करने के बाद आपको यहाँ पर मिक्स देखो मिक्स है 11%, तो आपको मिक्स कर देना है 100%, ठीक है। पूरा हमारा डिले जो है काम करेगा, ये मोड डिले के जैसा और मोड मशीन के जैसा सब कुछ ये वर्क करने लगेगा। तो पिंग पोंग डिले हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें अब हमें कोई भी अलग से डिले लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ये हमारा काम हो गया। दूसरा हम यहाँ पे लगाते हैं एक
मास्टर ब्लाइंग से एक अगर हमारे पास कोई कंप्रेसर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि कंप्रेसर से हमारा आवाज टाइट हो जाएगा, जैसा आप लोगों को पता है। तो ये तीन चार चीजें होती है, एक डिले लगाना जरूरी होता है, एक ऑटो ट्यून लगाना जरूरी होता है, एक कंप्रेसर लगाना जरूरी होता है। अब कंप्रेसर कोई भी हो सकता है, अलग अलग नाम से कंप्रेसर आते हैं, अलग अलग कंपनी के कंप्रेसर आते हैं, अलग अलग सारे सॉफ्टवेयर। जैसे डिले है तो हमारे पास डिले, मोनो डिले, स्टीरियो डिले, कोई भी डिले हो, जो भी जिसमें डिले नाम लगा हो वो कोई भी डिले आप लगा सकते हो, सब लगभग लगभग सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बाकी सेम वही काम करता है। तो एक सॉन्ग में डिले लगाना जरूरी होता है, ऑटो ट्यून लगाना जरूरी होता है और कंप्रेसर लगाना जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पर ऑटो ट्यून भी लगा दिया हूँ और डिले भी लगा दिया हूँ, बाकी बचा है कंप्रेसर। तो हम यहाँ पर कंप्रेसर खोज लेते हैं। एक कंप्रेसर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हम डिले कोई भी लगा सकते हैं, चाहे मोड डिले हो, पिंग पोंग डिले हो, स्टूडियो डिले हो, कोई भी डिले हम डिले को हम पुट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम कोई भी यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेसर लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास कंप्रेसर में हमारे पास हो जाएगा एपीआई, एक कंप्रेसर है। डायनामाइक के अंदर आप जाओगे तो डायनामाइक में सीएलए एक कंप्रेसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कंप्रेसर नाम से भी है सिंपल। और एक डीबीएक्स हमारा एक कंप्रेसर है, और इसमें जितने भी दिख रहा है सब लगभग लगभग एक कंप्रेसर ही है, ठीक है, जो सॉन्ग को मिक्स मैजर कंप्रेसर, अलग अलग तरीके का कंप्रेसर है, आप कोई भी कंप्रेसर डाल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर विंटेज कंप्रेसर पुट करेंगे, और विंटेज कंप्रेसर में यहाँ पर हार्ड पियानो करते हैं, और हार्ड पियानो पर अटैक जो यहाँ पर है इसको ऑन करेंगे पंच को, और पंच को भी ऑन करेंगे, ठीक है। पंच को नहीं तो हम बंद ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट हमारा -20 करेंगे, आउटपुट -20, ठीक है, तो आउटपुट हमारा -20 आ जाएगा, काफी बेहतर रहेगा। और हमारे पास एक यहाँ पे देखो अब हो चुका है ऑटो ट्यून, दूसरा नंबर हमारे पास डिले हो चुका है, और डिले के बाद हमारे पास यहाँ पर एक कंप्रेसर हो चुका है। अब हमारे पास लगाने के लिए जो बचा है वो यहाँ पर वो बचा हुआ है, एक हम यहाँ से लेंगे, कोई भी हम एक रिवर्ब से लेंगे। अब रिवर्ब का काम होता है थोड़ा इको टाइप का करना, ठीक है। आप इस वीडियोस को ध्यान से समझ लोगे तो आगे से आपको मिक्सिंग वाली वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर्ब के अंदर होता है एक कोई भी इको टाइप का लगाना। तो हम यहाँ से रिवर्ब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हम रिवर्ब के अंदर देखो रिवर्ब ए भी सिलेक्ट करोगे तो वहां पर इको का ऑप्शन रहता है। उसी तरीके से हम रूम वर्क सिलेक्ट करेंगे तो रूम वर्क में क्या होता है कि जैसे रूम की तरह इसमें गूंजेगा, कोई भी प्रीसेट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो रूम की तरह इसमें डिले देता है। डिले मतलब मीन्स इको देता है, इको का काम करता है, इको टाइप का काम करता है, वही होता है रिवर्ब। तो रिवर्ब का काम क्या हो गया हमारा, जो हमारा यहाँ पर होता है इको टाइप करना। तो हमारा आपने समझ गया कि चार प्लगिंग मैंने यहाँ पर लगाया, कोई भी सॉन्ग हो यही सारी चीजें लगेगा, एक कंप्रेसर, एक रूम वर्क नहीं सॉरी रिवर्ब। रिवर्ब का काम होता है, कोई भी रिवर्ब हो सबका काम एक ही होता है कि वो सॉन्ग को ज्यादा से ज्यादा इको कर सके, ठीक है। कंप्रेसर का काम होता है सॉन्ग को कंप्रेस करना, मतलब वोकल कहीं उठा है कहीं दबा है तो सबको मिलाना, और डिले का काम होता है सॉन्ग को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन बनाना, ताकि सॉन्ग सुनने में बढ़िया लग सके। और सॉन्ग जो हमारा है वो क्या हो सके, एक प्री डिले देता है, जैसे कि कोई बज रहा है उसके साथ साथ बजेगा, मतलब मीन्स ये भी एक डिले टाइप का काम करता है, बट ये एक हाई लेवल डिले इसको मान सकते हो, हाई लेवल इको इसको मान सकते हो। और ऑटो ट्यून को तो आप जानते ही, ऑटो ट्यून का क्या काम होता है, ऑटो ट्यून का काम मान लो आप आपका आवाज सही नहीं है, आपका सुर सही नहीं है, तो ये आपको आपके सुर को काफी बेहतरीन बना देता है। तो यहाँ पर हमने चार प्लगिंग्स लगाया है, और देखो चार प्लगिंग्स के बाद यहाँ पर हम एक प्लगिंग्स और लगाएंगे जो मास्टर प्लगिंग्स से होगा, और मास्टर प्लगिंग्स के अंदर कोई ऐसी प्लगिंग्स हमें मिल जाए जो कि ज्यादा क्वालिटी दे, ठीक है। तो हम खोज लेते हैं मॉडर्न डी इरेसर, ये भी काफी अच्छा प्लगिंग है। तो ये देखो काफी अच्छा प्लगिंग है, जो कि आप डीबीएक्स सीएलए सबके तरह ये वर्क कर जाएगा। बाकी एक प्लगिंग यहाँ पर देख सकते हो, मैं ये जो प्लगिंग अभी सिलेक्ट किया हूँ ये काफी बेहतरीन और स्टाइलिश प्लगिंग है, और काफी यूजफुल प्लगिंग है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वोकल के अंदर। तो हम यहाँ पर वोकल सिलेक्ट करेंगे, प्रीसेट यहाँ पर बना हुआ है वोकल का,
तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, वोकल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वोकल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक कट कर देना है इधर से, और कट करने के बाद इस पर टैप करना है प्रीसेट मैनेजमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखो बहुत सारा प्रीसेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यहाँ पर इस सॉन्ग का जो करेंगे मिक्स्ड कोरियो, तो इस पर कर देंगे, इस तरीके का हमारा प्रीसेट बन जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर टैप करने के बाद इक्वलाइजर का बहुत सारा प्रीसेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप जो चाहो सेट कर सकते हो, बट मैं अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, तो EQ यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्रेसर, अब सॉन्ग के ऑडियो चैनल सेटिंग के अंदर इंसर्ट के मेन्यू में क्या क्या चीजें लगाया जाता है वो आपने देख लिया, और लिमिटर भी लगा सकते हो, क्यू भी कर सकते हो, तो वो सारी चीजें अगले वीडियोस में हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने EQ भी कर लिया। अब देखो चार प्लेइंग्स इधर से है और ये ऑटो ट्यून लगा के 5 हो जाता है। ठीक है, अब इधर से हम सेंड्स में लगाएंगे, तो सेंड्स में लगाने के लिए हमारे पास बस एक ही प्लेइंग्स है जो कि यहां पर हम आपको दिखाते हैं। मास्टर प्लेइंग्स के अंदर से हम डीनोइजर पुट करेंगे, और सॉरी डीनोइजर अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे रूम वर्क्स आरिफेंसी लगा लेते हैं, ये भी ज्यादा बेहतर प्लेइंग है। सॉरी इसको नहीं लगाएंगे, ये भी ज्यादा बेहतर है बट इसको नहीं लगाएंगे। रिवर एक्स प्लानेट एच ये भी नहीं, मेनी रिवर मोनो, ये मेनी एम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये काफी अच्छा प्लेइंग्स है और ये काफी बेहतरीन भी प्लेइंग्स है, तो ये ओपन होने देते हैं और इसको देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो ओपन होने में काफी समय लेगा ये, क्योंकि ये देखो हार्ड प्लेइंग्स है और सिस्टम फंस भी गया है थोड़ा सा। तो देखो अब ये ओपन हो चुका है, जैसे ही ओपन होगा तो ये देखो फुल रीसेट पे है, और ये हॉल टाइप का किया हुआ है, तो आपको हॉल टाइप का नहीं करना है, चेम्बर टाइप का करना है, और चेम्बर टाइप का करने के बाद एम्बेंस है, स्पेस है, प्लांट है। ठीक है, तो आपको स्पेस यहां पर नहीं करना है, सिर्फ चेम्बर पर क्लिक करके छोड़ देना है। अगर आप चाहो तो इसे और भी प्रीसेट दिया हुआ है, जैसे आप प्रीसेट पे क्लिक करोगे तो अगर आपको प्रीसेट सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पर वोकल विथ एटीट्यूड पे क्लिक करना है, तो आपका मीडियम और रूम्स हो जाएगा, तो ये इसी में काफी अच्छा आउटपुट हमें देगा, और आउटपुट को आपको फुल कर देना है। आउटपुट फुल करने के बाद इसे सिंपल कट करना है, कट करने के बाद इस पर टैप करना है, इस पर एक चैनल सेटिंग एडिट चैनल सेटिंग पर क्लिक करके या सेंड्स पे जाना है, और सेंड्स पे यहाँ पे देखो मेनी एम रिवर मोनो आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर लाने के बाद पावर बटन के बाद देखो यहाँ पर एक्टिवेट सेंड वन, इस पे क्लिक कर देना है और इसको परसेंटेज दे देना है। इसका परसेंटेज हम 0 करेंगे, जैसे यहाँ पर हम 0 कर लेंगे तो हम देखिए 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम टैप करके ही 0 कर देते हैं, टाइप करके हमने 0 कर दिया। और उसके बाद इसमें एक और कंप्रेसर हम डालेंगे ताकि हमारा सॉन्ग ज्यादा से ज्यादा बेहतर बन सके, तो हम क्या करेंगे, डिवाइस पे जाएंगे, डिवाइस पे जाने के बाद मिक्सर पे जाएंगे, मिक्सर पे जाने के बाद ई चैनल पे सेटिंग, आउटपुट आउटपुट चैनल सेटिंग है ये, और यहाँ पर एक हम DBX लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर DBX लगाएंगे तो DBX के अंदर हम लीड वोकल ओवर कंप्रेस करेंगे और इसको कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे। ठीक है, अब हम सॉन्ग को क्या करेंगे, सुनेंगे किस तरीके का हमारा सॉन्ग बना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सुनने का काम करेंगे, तो यहां से चलिए स्टार्ट करते हैं सॉन्ग को और सुनते हैं। ट्रैक भी हमारा ऑन है, वोकल भी हमारा ऑन है, अगर चाहो तो आप इसे आउटपुट के समय -1 -2% कर लेना ताकि हमारा वोकल जो है फटेगा नहीं। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर सुनाते हैं आपको ये किस तरीके का मिक्स हो पाया है और हमें ये कैसा लगता है सुनने में और इसका क्या क्वालिटी आता है, चलिए सुनते हैं। नाच करो जो नीना खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो, इत सोहे नहीं के हुआ के बाद खोले खाली काढ़ी ले लाक, होटे एक नंबर खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो। नाच करो जो नीना खड़ा हो हवे बाहोपुर के खड़ा हो। तो आपने देखा ये किस तरीके का बना हुआ है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो इस पे कम से कम 50 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दो, ताकि
ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों को मिल सके और आगे की सारी वीडियोस इससे भी अच्छा तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाने की। और ये 2-3 वीडियोस के बाद ये क्विज खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत वीडियोस इसके ऊपर मैंने बना दिया है ऑलरेडी, और आज 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा तो आप लोगों को कोशिश कर दूंगा कि हर एक चीज सिखा दूं, ताकि आप खुद से ज्यादा बेहतर क्वालिटी में मिक्स कर पाओ। तो 50 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर देना। अगर नहीं हो पाए तो दोस्तों में शेयर करके कंप्लीट करो, जैसे भी हो 50 लाइक कंप्लीट करो यारों, और नई वीडियो देखो। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।